तुरंत आदेश दिया सेक्शन कमांडर उसका, जो कमांडिंग इन चीफ था उसका, पंडुबी का, एटमिक मिसाइल फायर किया जाए। अरे करोड़ों रुपए कमा लेंगे लेकिन मातृभूमि का कर्ज नहीं चुका सके तो स्वर्ग भी नरक के समान है आपके लिए। जब द्वितीय विश्व युद्ध होगा पूरी दुनिया उलझी रहेगी, भारत बनेगा अखंड भारत। ये क्यूबा का राष्ट्रपति कौन? फिदेल कास्त्रो, रूस का परम मित्र था। रूस अपने ये है तुर्की, ये किसका परम मित्र? अमेरिका का। यूएसए का परम मित्र तुर्की, और यूएसएसआर था ना उस समय, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कितने देशों में टूटा? 15। रूस, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, आप लोगों को तो याद ही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अमेरिका चाहता था शीत युद्ध बढ़ा दिए। शीत युद्ध में युद्ध थी या युद्ध की तैयारियां थी? युद्ध की। अमेरिका अपना परमाणु बम तुर्की के पास ले जाके रखा, कहा कि यहां से जब मन तब मार देंगे किसको? रूस। सोचिए रूस का कि रुक बताइ तुम, हम अपना परमाणु बम क्यूबा में रखेंगे, जब मन तब तुमको मार देंगे। ठीक रहा है? इसे कहते हैं मार। ऐसा खतरनाक लड़ाई था आप। और एक समय ऐसा आया कि रूस की जो परमाणु पनडुब्बियां थी उसमें परमाणु बम था, और परमाणु पनडुब्बियां जब ऊपर जा रही थी ना यहाँ पर, तो वहां पर उन अमरीकी नौसेना प्रैक्टिस कर रही थी, तो ये नीचे नीचे जा रहे थे सब। दोनों को नहीं पता, इसको भी नहीं पता कि अमरीकी नौसेना ऊपर है, अमरीकी नौसेना को नहीं पता कि नीचे रूस की पनडुब्बियां हैं। अब पनडुब्बियों पे झटका आने लगा क्योंकि ब्लास्ट होगा, रूस की पनडुब्बी को लगा कि ससुर अमरीका वाला मर रहा है हमको। तुरंत आदेश दिया सेक्शन कमांडर उसका, जो कमांडिंग इन चीफ था उसका, पनडुब्बी का, एटमिक मिसाइल फायर किया जाए। एटमिक मिसाइलों को ट्यूब में रख दिया गया, लेकिन किसी भी बड़े हथियार को फायर करने के लिए एटलीस्ट दो लोगों का सिग्नेचर जरूरी होता है। तो कमांडिंग इन चीफ ने वहां का जो था, जो कमांडर था वहां का पनडुब्बी का, उसने दे दिया, लेकिन सेकेंड इन कमांड ने कहा कि नहीं अभी हमको थोड़ा सा रुकना चाहिए। अगर वो 1961 में मार दिया रहता तो 1961 में तृतीय विश्व युद्ध फिक्स था, क्योंकि यहां से परमाणु बम जाती यहां पर, उसके बाद यहां से परमाणु बम जाता है यहां पर, अच्छे होता। तृतीय विश्व युद्ध से हम लोगों को कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, उन्हें भी इफेक्ट पड़ेगा जो इनके चमचे बन के बैठे हैं, पाकिस्तान। हमको थोड़ा सा भीख दे दीजिए, नहीं हम लोग वहां से अपाची हेलीकॉप्टर खरीदे तो कहें कि खरीदना है देना है तो दो, हम रूस से S-400 खरीदेंगे, डील हो गया है, रसीद देख लो, छुपा के कुछ नहीं, देना है हेलीकॉप्टर दो, नहीं तो बहुत लोग पढ़ल है लोग बना लेंगे अपने से। जिस दिन IIT के इंजीनियरों को हम लोग रोक लगा दिए नहीं जा सकते हो, उस दिन अमेरिका का हालत खराब हो जाएगा। 40% से ज्यादा वैज्ञानिक नासा में भारत के हैं यहाँ पर, वो अलग बात है कि हमारे देश के नेता जो हैं लोग विदेश विभाग वो बुला नहीं पाते हैं वहां पर, वहां नासा में बुला के रहना चाहिए यहाँ पर। अरे करोड़ों रुपए कमा लेंगे लेकिन मातृभूमि का कर्ज नहीं चुका सके तो स्वर्ग भी नरक के समान है आपके लिए, नहीं समझ में आया? वहां पे कोई नहीं, बस स्वामी विवेकानंद को एक बार नासा में लेके जाने लायक वहां पे। अरे बातों में वो दम होनी चाहिए ना जो बंदूक में ताकत ना हो सके, उसी दिन रिजाइन मरवा दे ससुरा नासा के वैज्ञानिक से, वापस जहाज में लेते चल चल चलते हो हम यहाँ पे, ऐसा थोड़ी होना चाहिए यहाँ पे। अरे मातृभूमि भी कोई चीज होती है यहाँ पे, पैसा तो कोई भी कमा सकता है यहाँ पे, क्या ओसामा बिन लादेन के पास पैसा नहीं होगा? बात करते हैं यहाँ पे, तो ऐसा नहीं है, होए ससुरा मरे से हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अगर पूरी दुनिया इसमें मार देगी हमारा 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 हम अखंड भारत, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जिसको डर लगे तृतीय विश्व युद्ध से लगे, जब तृतीय विश्व युद्ध होगा पूरी दुनिया उलझी रहेगी, भारत बनेगा अखंड भारत, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए डरना नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। सोचा प्रथम विश्व युद्ध में कुछ हुआ ही नहीं जब हम गुलाम थे, द्वितीय विश्व युद्ध में कुछ हुआ ही नहीं जब हम गुलाम थे, आज तो आजाद हैं हम, आज कौन बिगाड़ लेगा हम लोग को? आप लोग तैयार है कि नहीं है? तब तक सब अपने अपने जगह सेटल रहेगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप देखिएगा ना बाहुबली मूवी देखिएगा, तो जो देवसेना रहती है ना लकड़ी चुनती है,
20 सालों से, तो कटप्पा घुसी आ जाता है, कहता है कि 20 साल से कौन सी लकड़ी बटोर रही है, तो घुसी आ जाती है कटप्पा, तुम्हें लकड़ी दिख रही है, ये चीता सजा रही हूँ उसके लिए, समझा गया कि नहीं आ गया। तो लोगों को ये विद्यार्थी दिख रहा है, ये सेना है उस अखंड भारत की, जिस दिन ये उतरेगा ना उस दिन इतिहास का भूगोल बदल दिया जाएगा, यहाँ पर पूरा अपना क्या रहेगा, अखंड भारत, और इससे बेहतरीन मौका नहीं मिलने वाला। आए भैया लड़ना है, लड़े जिसको, उससे क्या मतलब है, समझ गए, मगरमच्छ को पानी से डराते हो, हाँ, समुद्रगुप्त, अशोक, हर्षवर्धन, राजेंद्र चोल, समझ आ गया कि नहीं आ गया, वैसे ही आप लोग का भी एगो नाम रहेगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जिस तरह प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने वालों के लिए इंडिया गेट बनाया गया, उसी तरह याद रखिएगा आप लोग के भी अखंड द्वार बनेगा वहां पर, अखंड द्वार, और आप लोग को भी लड़ना है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए अब आगे का क्लास कल समझेंगे हम।